मुंबई के कल अंधेरी चांदीवली जो इलाका है वहाँ पे शिवसेना विधायक जो दिलीप लांडे जी हैं उन्होंने कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा रहा है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है नाले सफाई के उनके ऊपर कचरा डाला गया है और उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार किया गया है। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कल कॉन्ट्रैक्टर के साथ व्यवहार किया गया इसके पीछे का कारण क्या था आपका? नहीं, मैं कोई किसी के साथ पे कोई व्यवहार किया नहीं और किसी के साथ मेरे को व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं शिवसैनिक हूँ, मुंबई वासियों की शिवसैनिक के ऊपर भरोसा है, विश्वास है और जिस लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है उनकी सेवा करना, उनको जो तकलीफ हो रही है वो दूर करना हमारा फर्ज है। हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमको सिखा है कि 80% लोगों की सेवा करना, समाज काम करना, और वही समाज का काम करने का काम हम किया जी। जैसे कि बीएमसी का यहाँ पे दावा हुआ था बारिश के पहले कि 104% बारिश की नाले सफाई की गई है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये कहीं ना कहीं ये जो व्यवहार किया गया है उनके ऊपर कचरा फेंका गया है, तो आपका क्या मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे गलती है कि बीएमसी का यहाँ पे कुछ किरदार है? देखिए, मैं किसी के ऊपर कचरा फेंका नहीं है। मैं 15 दिन पहले से ठेकेदार और संबंधित अधिकारी को कहा था कि यहाँ पे नाला भरेगा, यहाँ पे LBS पे पानी आएगा और यहाँ पे LBS पे पानी आने से पूरे मुंबई शहर के अंदर हमारा कुर्ला का, येलवाड़ का नाम खराब होता है। इसलिए आपकी और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि ये नाले अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और बारिश जाने तक जो टेंडर में लिखा है कि 4 महीना यहाँ पे वर्कर होना चाहिए वो हमेशा रखिए, वो नहीं रखा था। वहाँ पे BMC के अधिकारी ने वो अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। जिस लोगों को 4-5 दिन से बारिश में तकलीफ हो रही है, हमारे पास लोगों, जो लोग आशीर्वाद दिया है वो लोगों का कहना है कि आपको जिम्मेदारी दिया है, वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। मैं और शिवसेना के शाखा प्रमुख, शिवसैनिक, हम खुद रास्ते पे उतर के वो गटर साफ करने का काम कर रहा था। हमारा काम करते वक्त जब ठेकेदार को मालूम हो गया कि गटर साफ हो रहे हैं तब ठेकेदार देखने को आया, जब ठेकेदार देख रहा था तो उसको दिखा दिया कि ये गटर है और ये कचरा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आप संभालो। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर जी का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपने जो किया कहीं ना कहीं वो इंसानियत उसमें नहीं देखी गई है, यानी कि व्यवहार गलत किया गया था, इस पे आपका क्या कहना है? इंसानियत जरूर देखा गया। 15 दिन से उनको रिक्वेस्ट किया, मेरे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इंसानियत ये होता है कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब मेरे संजय नगर, नारायण नगर, वहाँ के लोगों को, कुर्ला वासियों को जो तकलीफ हो रहा था उनको तकलीफ दूर करना, ये भी एक इंसानियत है, वही मैं काम किया। जैसे कि यहाँ पर दिलीप लांडे जी जो कि शिवसेना विधायक हैं अंधेरी चांदीवली के, उनका ये मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे जिस वजह से उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। अब आगे इसके चलते शिवसेना और जो BMC है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना बाकी है। एक तो मुझे वो पता नहीं है, आपके माध्यम से अभी मुझे पता चला है, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टर और दिलीप मामा लांडे इनके बीच का क्या संवाद हुआ, क्या उस सिचुएशन थी वो पता नहीं है ना। लेकिन एक है कि कोई भी आदमी जो हम बोलते हैं मनुष्य, वो बीइंग होना चाहिए, वो नहीं होता है तो अच्छा नहीं है जी। गलती होगी भी कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो इस पे आगे कुछ इस पे एक्शन लिया जा सकता है? जो हमारे पक्ष प्रमुख है, मुख्यमंत्री है, बाकी लोग हैं, उनके पास गई भी होगी न्यूज़, तो उनको मुख्यमंत्री कह देंगे। ABP News आपको रखे आगे।